Hi everyone, my name is Malik. Hi everyone, my name is Malik. What आप देख रहे हैं Tour with Malik. So today I'm going to take you British Museum. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा Instagram अकाउंट है Tour with Malik. ये है एंट्रेंस और उसके बाद मैं फाइनली पहुंच गया हूँ the British Museum. जैसा कि आप देख सकते हैं आज काफ़ी रश है यहाँ पे और यहाँ से हम आगे को चलेंगे. यहाँ से होगी चेकिंग और इस एरिया में वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं करते हैं. सो चेकिंग हो गई डन. सो लेट्स गो, हम चलते हैं आगे. अब मैं काफ़ी पास आ गया हूँ. सो ये रही एंट्रेंस. यहाँ से आप अभी अंदर जाएंगे. वेलकम टू द ब्रिटिश म्यूजियम. अब हम पहुंच गए हैं मेन हॉल में और जैसे ही आप मेन हॉल में अंदर आते हैं तो आप देखते हैं ब्यूटीफुल इनका रूफ डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने. ये रही बुक शॉप और यहाँ पे आपको हर किस्म की बुक्स मिलेंगी. और जैसे ही आप बुक शॉप को जब क्रॉस करते हैं और आगे जाके आपको नज़र आएंगे स्टॉल, फूड स्टॉल. यहाँ पे आप फूड ले सकते हैं, ड्रिंक बाय कर सकते हैं और यहीं पे उन्होंने बैठने की भी सीटिंग एरिया बनाया हुआ है जैसा कि आप अभी देख सकते हैं. यहाँ से आपको आगे की तरफ ले कर चलते हैं. ये जो साइड है ये जो चाइना की बहुत वर्ल्ड ओल्डेस्ट चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं. सो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा. जैसा कि आप देख सकते हैं इन चीज़ों के साथ इनकी हिस्ट्री के बारे में भी साथ मेंशन किया हुआ है. बहुत ही कलरफुल, खूबसूरत और अट्रैक्टिव चीज़ें हैं. साथ ही मैं आपको ब्रिटिश म्यूज़ियम की टाइमिंग भी मेंशन करता चलूं. ये 7 days ओपन होता है एंड 10 AM टू 5 PM इसकी टाइमिंग है और फ्री एंट्री है. अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके आता हूँ इजिप्शियन डेथ एंड आफ्टर लाइफ ममीज. तो यहाँ पे आप देखेंगे ममीज. सो अभी मैं आपको रेस्टोरेंट का विज़िट करवाता हूँ जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है. जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था नीचे सिटिंग एरिया और अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट दिखा रहा हूँ.
में सामान कैसे है। अभी हम आ गए हैं क्लोक्स एंड वॉच एरिया में। यहाँ पे आपको छोटी से छोटी वॉच एंड बड़ी से बड़ी क्लॉक आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से मैंने पास करके वीडियो बनाए बिकॉज़ यहाँ पे छोटी से छोटी वॉच पड़ी हुई थी और उसके फौरी बाद आप देखेंगे बड़ी से बड़ी क्लॉक्स। हर चीज़ के साथ उसकी हिस्ट्री के बारे में मेंशन किया हुआ है। अब हम आगे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड और यहाँ पे आपको इस्लाम रिलीजन के रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। अरब लैंड्स बिफोर इस्लाम। यहाँ पे आप देखेंगे अरब वर्ल्ड के क्लोथ्स या जो इनके हिस्ट्री में ट्रेडिशनल क्लोथ्स जैसे पहने जाते थे, और ये हैं साउथ एशिया के क्लोथ्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे म्यूज़िक एंड परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट, और ये रहा ग्लोबल ट्रेड लैंड एंड सी। तो अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और वहाँ पे और भी सेक्शन हैं, वहाँ पे हम जाके और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ एक और नए सेक्शन में। यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। The largest Egyptian sculpture in the British Museum. हमारी लैंग्वेज में इसको मुजस्मा और बुत भी कह सकते हैं। इस सेक्शन में आपको बहुत मुजस्मे देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी हज़ारों साल पुराने हैं। अब हम पहुंच गए हैं दी शेख जायद बिन सुल्तान गैलरी। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं वो सब इनकी हिस्ट्री के रिलेटेड हैं, जो इनकी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, हिस्ट्री को, हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, और जो कि देखने में खूबसूरत भी हैं। यहाँ पे है एक्सपोर्ट खड़े होने के लिए जगह, और यहाँ पे आप खड़े होके ऑल द वे नीचे देख सकते हैं हॉल की तरफ, जो कि बहुत खूबसूरत है।
अगर आपको मेरा ब्रिटिश म्यूज़ियम का टूर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट नई वीडियो में नई जगह के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।